नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को और अच्छे से समझना चाहें तो एग्ज़ाम्पल नंबर टेंथ हमें ट्राई करना होगा एग्जाम्पल नंबर टेंथ काफ़ी सिंपल है बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है जिसे हमें मैथमेटिकली डी करना है वो है इन अ फ्लावर बेड देयर आर ट्वेंटी थ्री रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो कॉमा ट्वेंटी वन इन द सेकेंड नाइनटीन इन द थर्ड एंड सो ऑन देयर आर फाइव रोज प्लांट्स इन लास्ट रो हाउ मैनी रोज़ आर देर इन द फ्लार बेड हमें नंबर ऑफ रोज बतानी है हमें पता है कि फर्स्ट रोम है ट्वेंटी थ्री फ्लार्स सेकेंड रो में है ट्वेंटी वन फ्लार्स थर्ड रो में नाइन्टीन फ्लार्स एंड लास्ट रोम में है फाइव फ्लार्स सो so हमें ए एन पता है लास्ट वाली जो टर्म है हमें इस एन की वैल्यू नहीं पता और वही तो हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है कि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पर हैं सो ए एन इज इक्वल्स टू फाइव ए अगर हम देखें तो ए हमारे पास यहाँ पे 23 ट्वेंटी थ्री जो हमारी फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो कॉमन डिफरेंस आएगा ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी थ्री इज इक्वल्स टू माइनस टू सो डी यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस टू के इक्वल ए हमारा आ चुका है ट्वेंटी थ्री के इक्वल एंड एन हमारा आ चुका है फाइव के इक्वल सो so हम इसे लिख देंगे अब ए एन इज इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू क्योंकि हमें पता है ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी के इक्वल सो हम नेक्स्ट इसे लिख पाएंगे फाइव इज इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू इसके बाद हम ट्वेंटी थ्री को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एटीन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू दैट इज माइनस एटीन इज इक्वल्स टू माइनस टू एन प्लस टू दैट इज प्लस टू को हम लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू माइनस टू एन माइनस से माइनस कट ओके एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी टेन सो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर उस पूरे फ्लार बेड पे हो जाएंगे टेन जिसमें फर्स्ट रो में तो है ट्वेंटी थ्री फ्लार्स एंड लास्ट रो में है फाइव फ्लार्स अब आप एक चीज़ यहाँ से ट्राई कर सकते हैं आप एक चीज़ ये ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि उस पूरे बेड पर टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ के कितने प्लांट्स हैं या फिर हम कहें वहाँ पे कितने रोज़ के वो फ्लावर्स हैं क्योंकि आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि फ़र्स्ट रो में ट्वेंटी थ्री फ्लावर्स से हैं सेकेंड में ट्वेंटी वन है और टोटल दस रोज़ हैं टेंथ रो में फाइव फ्लावर्स हैं तो आप एक बार ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल वहाँ पर फ्लावर्स कितने हैं और ये चीज़ ध्यान रखना कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करा फिर इसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक नया मेथड भी समझेंगे कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं